नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। तो आज हम दोस्तों जानेंगे अंक के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अंक के बारे में। देखिए, अंक को दोस्तों हम कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। तो पहले हम अंक को जानेंगे कि अंक होता क्या है। तो हम कह सकते हैं केवल इकाई, केवल इकाई को अंक कहा जाता है, अंक कहा जाता है। तो ये आपको पता चलेगा, केवल इकाई को अंक कहा जाता है। इकाई का मतलब होता है जिसमें केवल एक होना चाहिए, वही हमारा अंक कहलाता है। ठीक है, अब अंक हो गया आपका। अब अंक कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 अंक होते हैं। ठीक है, और तो कुल कितने अंक होते हैं? तो कुल अंक जो हमारे होते हैं वो होते हैं दोस्तों 10। कितने थे? 10। देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 अंक होते हैं। ठीक है, अब अंक जो हैं इन्हीं से संख्या का निर्माण होता है। अंक से क्या होता है? संख्याओं का निर्माण होता है। किससे? संख्या का निर्माण किससे होता है? अंक से होता है। जैसे दोस्तों देखेंगे, अगर हम एक है पहला, अगर हम अंक इसको एक लेते हैं और इसके पीछे हम ये 0 लगाते हैं तो 10 बन गया। अगर मैं एक के पीछे एक ही लगा दूँ तो 11 बन गया। अगर मैं एक के पीछे 2 लगा दूँ तो 12 बन गया। अगर एक के पीछे 5 लगा दूँ तो 15 बन गया। एक के पीछे 8 लगा दूँ तो 18 बन गया। इसी तरह से अगर हम देखें, अब 2 लें, 2 के पीछे 3 लगा दिया तो 21, 2 के पीछे 6 लगा दिया तो 26 हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों हम जो संख्याएं अनंत बना सकते हैं, हम कह सकते हैं कि संख्याएं अनंत लिखी जा सकती हैं, अनंत लिखी जा सकती है, जा सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि संख्या अनंत लिखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस वीडियो में आपने देख लिया अंक, अंक कौन कौन से होते हैं, अंक पहली बार अंक की परिभाषा क्या है, अंक कितने होते हैं। ठीक है, तो वो अंक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये जान लिया, कितने होते हैं ये जान लिया, संख्याओं का निर्माण अंकों से हुआ है और संख्या किस तरह से बना सकते हैं ये आपने जान लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और मनोज कुमार मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।